दौसा जिले के सिद्धिपीठ मेहंदीपुर बालाजधाम में मैन नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में चल रही श्रीमद भागवत कथा के अंतिम दिन शनिवार लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला व केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी शिरकत की। हेलीकॉप्टर से मेहंदीपुर बालाज पहुंचे दोनों नेताओं ने सबसे पहले सीताराम मंदिर पहुंचकर राधाकृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने बालाज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बालाजी महाराज की महिमा का भी गुणगान किया। मेहंदीपुर बालाजी में हुए इस भव्य आयोजन के अंतिम दिन कथावाचक मृदुल कृष्ण शास्त्री ने कहा कि शास्त्रों में श्रीमद भागवत कथा का सर्वाधिक महत्व बताया गया। मेहंदीपुर बालाज धाम में स्वयंभू हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है। राम मंदिर में शनिवार को राधाकृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के चलते राम मंदिर के अंदर विशेष सजावट की गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को लाइव प्रसारण दिखाने के लिए शुक्रवार को ही मंदिर परिसर के बाहर करीब 5 बड़ी LED लगाई गई, जहां अंदर किए जा रहे मंगल कार्यों का सीधा प्रसारण यह दिखाया जा रहा था। 8 दिनों से चले इस धर्म यज्ञ में शामिल होने के लिए देश के कई दिग्गज नेताओं ने इसमें भाग लिया। ऐसे में शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। शनिवार को बालाजी मंदिर के ठीक सामने स्थित राम मंदिर में सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें विद्वान पंडित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार साथ बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष और पीठाधीश्वर महंत नरेशपुरी महाराज की मौजूदगी में राधाकृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पिछले 22 जनवरी से चल रहे इस भव्य आयोजन का 28 जनवरी को समापन हो गया।